हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कलर स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। कल आपको मैं पढ़ाया था, सूचक के बारे में पढ़ाया था और उसके पीएच मान भी पढ़ाया था, ठीक है। और ये जो चैप्टर जो चल रहा है पिछले दो दो क्लासेस का निकल चुका है, अम्ल और भस्म लवण के लेकर क्लास चल रहा है। इसमें से दो क्लास निकल चुका है, अम्ल किसे कहते हैं भस्म किसे कहते हैं हो चुका है, और पीएच स्केल क्या होता है, इंडिकेट मार्क्स क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यह आज का क्लास जो मैं कल बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो शुरू करना है, ठीक है, उसको पढ़ाना है पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें ये पता चलता है कि कौन तत्व कितना क्रियाशील है और वो क्रियाशील है तो किस तत्व से रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है, कौन किसको विस्तार हटा सकता है। इन्हीं चीजों को पढ़ जानने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें नहीं जानोगे तब तक कोई रिएक्शन नहीं करा पाओगे, तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य बच्चों के पास उसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हर बच्चों को जोड़िए जो पॉलिटेक्निक करना चाहता है कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, एक भी रुपया आपसे आज से लेकर और ये चैनल जब तक रहेगा तब तक यहाँ पे एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा बाबू तैयारी करवाने के, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसको जोड़ने का प्रयास करिए बाबू, ठीक है। और आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बढ़िया और बेहतर तरीका से बाबू, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बाबू, विद्युत सक्रियता श्रेणी, ठीक है, या विद्युत रासायनिक सीरीज, ठीक है, विद्युत रासायनिक सीरीज इस दोनों कह सकते हैं हम इसको। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता के पहले इसको मैं जानने से पहले बता दूं, यहाँ पे हमारा एक बोरान एलिमेंट है जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं, बोरान एलिमेंट है जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा नीचे है और ज्यादा दूर करेंगे तो वीडियो छोटा हो जाएगा बाबू, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसके नीचे ये इसके नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे विद्युत सक्रियता श्रेणी घटेगा, क्या होगा बाबू, विद्युत सक्रियता श्रेणी घटेगा, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे विद्युत सक्रियता घटेगा, इसको याद रखना है बाबू, ठीक है, विद्युत सक्रियता श्रेणी घटेगा, ये यहां से विद्युत सक्रियता श्रेणी घटेगा, जैसे जैसे इसके नीचे आएंगे हम विद्युत सक्रियता श्रेणी घटता जाएगा, जिससे क्या होता है ऊपर से नीचे आने पे हमारा क्या होगा, विद्युत सक्रियता श्रेणी घटेगा। अब विद्युत सक्रियता श्रेणी कहने का मतलब क्या घटेगा, ये भी थोड़ा अगर किसी को डाउट हो रहा है कि विद्युत सक्रियता श्रेणी व्हाट इज द विद्युत सक्रियता श्रेणी व्हाट इज द विद्युत सक्रियता श्रेणी, ये दिमाग में अगर चल रहा है तो मैं क्लियर कर दूं, विद्युत सक्रियता श्रेणी होता क्या है। तो विद्युत सक्रियता श्रेणी यह बताता है कि कौन सा तत्व कितना रिएक्शन है, कौन कर सकता है, कौन किसको हटा सकता है। जैसे कि अगर हम एक एक फील्ड में बैठे हुए हैं या अपने फैमिली मेंबर में बैठे हुए हैं, सभी लोग चेयर पर बैठे हुए हैं, तो हाँ जैसे ही हमारे फादर श्री का कमिंग होता है, आगमन होता है, तो हम लोग उस चेयर को छोड़कर उठ जाते हैं ताकि फादर श्री इस चेयर पर बैठ सके, क्यों, क्योंकि फादर श्री हमसे ज्यादा सीनियर है और हम जूनियर हैं, तो फादर श्री के आते ही मुझे हटना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इलेक्ट्रॉन्स है, रिएक्शन किसी से किया गया हो, अगर उसके उससे उससे ज्यादा एलिमेंट उसके साथ कराया जा रहा है तो वह एलिमेंट उसको छोड़ देना, उसको छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है, तो वो उसको बाहर और रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी पढ़ाने से पहले एक उदाहरण क्लियर करा देता हूँ, यहाँ देखिए मैं पढ़ाने से पहले ही एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे बाबू यहाँ पे जेड एन है, जेड एन प्लस सी यू है,
CuSO4 है बाबू, ठीक है। तो ये अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 बना लेगा आप प्लस H प्लस Cu बन जाएगा बाबू। अब बात समझाते हैं आपको हुआ क्या, यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये Zn एक कॉपर है, ये Zn है, ठीक है, एक कॉपर है और ये Zn है। कॉपर देखिए, ये कॉपर है, ये Zn है बाबू। Zn देखिए यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, यानी कि हाइड्रोजन की कथी है नीचे है, हाइड्रोजन की कथी है बाबू नीचे है, ठीक है। हाइड्रोजन से कथी है ऊपर है, अभी हाइड्रोजन से नीचे है। तो हाइड्रोजन से नीचे होने के कारण इसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कॉपर से इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हुआ, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हुआ। अब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा तो इसको क्या करेगा, हटा देगा। तो ये बन जाएगा Zn4 प्लस Cu। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे Cu क्या हुआ बाहर निकल गया और Zn यहाँ पे अभिक्रिया कर लिया। अर्थात कहने का मतलब जोरू जमीन जोर के ना तो किसी और के, अगर आपके जमीन के बगल में मुहजोर आदमी का जमीन है और जमीनवा पर आप मुहजोरी नहीं करते तो मुहजोरवा आपके जमीनवा को लेके चला जाएगा, ठीक है। तो जोरू जमीन जोर के आना तो किसी और के, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है, यहाँ पे जो जमीन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन है, तो इसको यहाँ से हटा कर फेंक देगा और Zn4 प्लस Cu हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस बात को समझ लिए तो हम इसको समझाते हैं कि इसको याद रखेंगे कैसे। एक ट्रिक्स है जिससे हम याद रख सकते हैं, आसानी से इसको याद रख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए अब एक बात और है, एक बात और जानिए बाबू, अगर आप अभिक्रिया करवाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के से, ये अगर अभिक्रिया करवाते हैं कि ये पोटासियम है बाबू, ठीक है। सबसे अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय पोटासियम है। क्यों, ये लिथियम नहीं लीजिएगा बाबू, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड इसको नहीं देता है, पोटासियम को लीजिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है तो पोटासियम को लीजिएगा बाबू, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको याद रखना है कैसे, तो ली के बाबा का नाम अल जन कर थे कर को निशन एच को हुई 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 तू ही फेरी फेरी पारा आज बर कल उमन फल उमन फल, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, एक बार और सुनिए। ली के बाबा का नाम मग अल जन कर थे कद को नी सन हुई कुई फेरी हुई कुई फेरी पारा आज बर कल उमन फल, ठीक है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऐसे याद रखने का ये तरीका है कि आप कैसे याद रख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। यहाँ पे देखिए एक और पढ़िए बाबू, ली के बाबा का ना मग अल जन कर थे कद को नी सन हुई 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 फेरी पारा आज बल कल तू मन फल, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, रख सकते हो। चल अब एक लाइन में यहाँ पे लिखा हूँ, दे रिएक्ट विथ द एसिड एंड वाटर, दे रिएक्ट विथ एसिड एंड वाटर टू गिव H2 गैस। जब ये अभिक्रिया करता है, जब दे आर रिएक्ट विथ द, इसके ऊपर मतलब हाइड्रोजन से जो ऊपर है, तो कह रहा है कि दे रिएक्ट विथ एसिड एंड वाटर, जब ये अम्ल और जल से अभिक्रिया करता है, अम्ल या जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा भी देता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। जब ये लो ए एलिमेंट अम्ल या जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ना यहाँ पे Zn है, कथी है Zn है, आप प्लस HCl से अभिक्रिया करा दिए तो कथी बनेगा Zn C
CN2+H2 गैस बाहर निकल गया, तो यही क्या होता है, इससे ऊपर जो भी एलिमेंट आप अभिक्रिया कराओगे तो अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बाहर निकल जाता है, H2 गैस बाहर निकल जाता है, यह अम्ल होता है बाबू, अम्ल होता है। और अम्ल से जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट से अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता है, क्लियर। अब यहाँ सुनिए बाबू, इससे जब अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, इससे ये जो एलिमेंट है, ये जो सब एलिमेंट है बाबू, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है। अब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने के कारण यह किसी से हाइड्रोजन को कभी बाहर नहीं निकाल सकता है। अब बताइए बाबू, आपके हाथ में ताकत है ये नहीं, तो किसी दूसरे को कैसे मार के भगा दीजिएगा, भगा सकते हैं ना, नहीं भगा सकते क्योंकि आप उससे खुद कमजोर है। अगर वो मानवता चाहता है तो वहां से हट सकता है, अन्यथा वो हटने वाला बरजोरी हटने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके अंदर ताकत है वही सबसे बड़ा सरदार है, तो ये इसके अंदर ताकत नहीं है तो ये हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकता है। ये सबके पास ज्यादा ताकत है तो हाइड्रोजन को निकाल के फेंक देता है, देख लीजिए हाइड्रोजन गैस है, इसके पास हाइड्रोजन ताकत नहीं है तो हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकाल सकता। यहाँ लिखा है दे डू नॉट फॉर्म H2 गैस विथ एसिड, ठीक है, विथ एसिड H2। तो यहाँ से अगर अम्ल और जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, क्लियर, याद रहेगा ना, यहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। तो मजा आया बाबू, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बाबू, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, कह रहा है कि लवण क्या है ना, तो लवण वह पदार्थ जो जल में घुलकर अम्ल तथा भस्म से अभिक्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यानी देखिए, वह पदार्थ जो जल में घुलकर अम्ल तथा भस्म से अभिक्रिया करता है, अम्ल तथा भस्म से अभिक्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। अब यह जल में घुलता क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये अम्ल है हमारा, क्या है, अम्ल है, ये हमारा कहते हैं भस्म है, ये भस्म है, और ये जो दोनों अभिक्रिया करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो लवण बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अब लवण अभिक्रिया बनाएगा तो यहां देखेंगे NaCl, ठीक है, ये लवण बन गया और ये क्या हो गया, प्लस H2O बना है ना। तो यहाँ पे जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और ये क्या बनता है, साथ में जल निकल जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब मैंने बताया था, जब जो हाइड्रोजन से ऊपर कोई भी धातु हो अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, वो जल को बाहर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जल भी बाहर आया, ठीक है। हाँ सुनिए, यहाँ पे अभी सोडियम यहाँ से कुल्लिन से अभिक्रिया किया तो बन गया कभी लवण, यानी कि यह उदासीन हो गया बाबू, क्या हो गया, उदासीन ही इसी को कहते हैं, लवण भी इसी को कहते हैं, ठीक है। यह अब कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, जैसे हमारा जो प्रभाव, जैसे लिटमस पेपर है जिसपे अम्ल क्या करता है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, आई क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लेकिन अब इसमें से इसको जब हम रखेंगे लिटमस पेपर पर तो कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि यह अब क्या हो गया, उदासीन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ थोड़ा सा देख लिया जाए, जैसे यहाँ पे अगर हम KOH यहाँ से देख लेते हैं H2SO4 प्लस KOH अगर लेते हैं तो क्या बनेगा, यहां से हो जाएगा K2SO4 प्लस, यहां देखिए और ये खाली हो गया तो H2O बन जाएगा, अब इसको संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, यहाँ पे है लवण, लवण बनता है, ठीक है। तो आइए इसके देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब ये है पर्बल अम्ल, ठीक है, क्या है, पर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर
हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए HCl, HNO3, नाइट्रिक अम्ल और H2SO4, ये हमारे जो 10 प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिखे आदि कर देते हैं, ये लोग क्या है, प्रबल अम्ल है बाबू। ये लोग जल में पूर्णतः घुलकर काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, करंट देते हैं। ये लोग काफी मात्रा में जल में घुलकर करंट देते हैं, जिससे ये क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं बाबू, प्रबल भस्म क्या है, प्रबल भस्म क्या है। तो वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर पूर्ण रूप से OH आयन देता है उसे हम कहते हैं प्रबल भस्म कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, वे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर OH आयन देता है उसे हम कहते हैं प्रबल भस्म कहते हैं। अब जैसे NH4OH और CaOH के होल टू, ये हमारा दोनों क्या कहलाएगा, प्रबल भस्म कहलाएगा। अर्थात समझने का प्रयास ये किया जाए कि यहाँ पे अगर हम इसको जल में घुलाते हैं तो ये पूर्ण रूप से घुलकर हमें OH आयन दे देगा बाबू, OH आयन दे देगा, जिसके कारण हमें जलीय विलयन में करंट इलेक्ट्रो करंट को करने में सुविधा उत्पन्न होगी, ज्यादा करंट उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हमारा ये जो प्रक्रिया कहलाएगा हमारा प्रबल भस्म कहलाता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे हम जान लेते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, H2SO4 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब H2SO4 है क्या, अब H2SO4 है क्या, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह क्या है, इसको हम बैटरी अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी अम्ल बोलते हैं बाबू। ठीक है, इसको अम्लों का राजा कहते हैं, रसायनों का राजा कहा जाता है। ये हमें मोटर कार के बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण से बैटरी अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे अम्लों का राजा कहते हैं, रसायनों का राजा कहते हैं, और इसे मोटर गाड़ी के बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, इसी के कारण से बैटरी अम्ल कहते हैं। ये यहाँ पे है HNO3 बाबू, इसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता है, जैसे आप इसी के हिसाब से इसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा TNT, TNB, ठीक है, ये दोनों विस्फोटक है बम बनाने, जिसे बम होता है ना, बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अम्लीय पदार्थ है बाबू, जिससे ये फटता है तो बहुत ही अधिक मात्रा में ज्वलन उत्पन्न करता है और शरीर से चिपक कर एक व्यक्ति के गलाने में काम करता है बाबू, जलन महसूस होता है जैसे जब ये फटता है बम, तब इस बम का नाम है TNT, TNB, ये मिलाकर बम बनाया जाता है बाबू। और ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड से बनता है, इसका नाम होता है TNT का नाम होता है ट्राइनाइट्रोटोलिन, और इसका नाम होता है ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन और इसका नाम होता है ट्राइनाइट्रोटोलिन। ये दोनों एक नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड से बना हुआ बम होता है जो काफी खतरनाक होता है, तो इसका बम बनाने में या विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विस्फोटक बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, या फिर TNT बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है, तो याद रखिएगा बाबू, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और दूसरे के पास शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।